हाँ, सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं भूख हड़ताल के 47वें दिन श्रमिकों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी बलविजिंदर मान ने लालकुआ पहुंचकर श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। तो इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी भास्कर सुयाल को बलविजिंदर मान को आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड के श्रमिकों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, जिससे सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को आज 107 दिन बीत जाने के बावजूद श्रमिकों की मांग को नहीं माना जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिकों के इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। वही सामाजिक कार्यकर्ता सुब्रत कुमार भी भूख हड़ताल पर बैठे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। एक सौ सात दिन हो गए आज आंदोलन करते हुए हमारे साथियों को, मजदूर साथियों को, और इनकी कोई भी सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है। प्रशासन नहीं सुन रहा इनका, और अंदर वार्ता करने जाते हैं तो वहाँ भी इनको दबाया जाता है, ढंग से कोई बात नहीं करता जो यहाँ का प्रबंधन है। तो हमारा यही कहना है कि हम इनको आज समर्थन देने के लिए आए हैं अपने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हम इनके साथ हैं, इनके आंदोलन के साथ हैं। ये 107 दिन हो चुके हैं और 47 दिन इनके अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के हो चुके हैं, जिसमें ये 13वां हमारे भास्कर जी हैं, 13वे जो बैठे हुए हैं। इससे पहले 13 लोगों को हटा चुके हैं ये लोग, भूख हड़ताल में यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले गए और कई लोगों की तबियत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट भी है। मगर जिस प्रकार से सेंचुरी का रवैया है, क्योंकि मैं यहीं का मूल बासिंदा हूँ, रहने वाला लालकुआ का ही, तो मैंने जब भी लालकुआ में, बचपन से मैंने आज तक ये देखा है कि लालकुआ में किस प्रकार से सेंचुरी पेपर मिल यहाँ के मजदूरों का शोषण करता है, गरीबों का शोषण करता है।